हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शोना लुक्स में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एक वीडियो है, आज हम एक नए टाइप का आई शेडो लगाएंगे। आई गेस शायद आपको पसंद आए, तो इस ड्रेस के ऊपर एक ब्लू कलर का आई शेडो एंड लेट्स स्टार्ट। अब हम सबसे पहले आईज को प्राइम में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, सारा मेकअप सेट है। एक लाइटर शेड लेके मैं यहाँ पे ले रही हूँ, बिल्कुल अपने ड्रेस से मैचिंग एक लाइट स्काई ब्लू कलर पहले मैं अपने बेस पे लगाऊंगी। या हल्का हल्का ये जो है बेस को हम यहाँ पे बिगनर्स की तरह आप ये आई शेडो लर्न कर सकते हैं कि किस तरीके से एक बिगनर विदाउट एनी ज़्यादा ब्रशेज ये सब करे बिना एक प्यारा सा आई शेडो लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना बेस जो है वो पूरे आई लिड पे लगाएंगे, एक प्यारा सा लुक। जब आप एज अ बिगिनर जब आप होते हैं, इस तरीके का ब्रश लीजिएगा, इससे आपको ये कट क्रीज करने में या आई शेडो लगाने में बहुत आसानी होगी। ये बिगिनर्स के लिए है, बाकी जैसे आप अगर आप ट्रेंड है तो आप अच्छे से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस, फ्लैट ब्रश या ये सब का यूज़ करके कट क्रीज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है बिगिनर्स के लिए है, तो ये वाला ब्रश यूज़ करो। बेस कलर हमने अच्छे से अपनी आईलेट्स पे लगा लिया है। अब हम इसके साथ एक डार्कर शेड लेंगे, यानी कि ज़्यादा डार्क जो ब्लू है उसको लेंगे और हम दोबारा से अपनी आईलेट्स को कवर करेंगे। अच्छे से अपनी आईलेट्स को कवर कीजिएगा। ब्रश को आप हमेशा एक पेंसिल की तरह यूज़ कीजिएगा, जैसे कि आप पेंसिल्स यूज़ करते हैं ना, इसी तरीके से जब आप यूज़ करेंगे ना, तो आप आराम से कट क्रीज भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरा ब्रश किस तरीके से काम कर रहा है। सो अब हमने अपने आईलेट्स को कवर कर लिया है। अब फ्लोरल लुक क्रिएट कर रही हूँ मैं। दो आईलाइनर का यूज़ करूँगी एक फ्लोरल लुक क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले एक पर्पल कलर का आईलाइनर मैंने ले लिया है। किस तरीके से फ्लोरल लुक क्रिएट करेंगे ये आप अपने स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। पफ्स एंड लैशेस का मैंने BTS पर्पल कलर ले लिया है। अब नेक्स्ट है एक फ्लोरल लुक क्रिएट करना। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, मैंने एक आउटलाइन ड्रॉ कर ली है, तो मैं थोड़ा डार्क कर लूँगी। आप इस साइड करेंगे, दोनों ही साइड एक फ्लोरल पैटर्न मैंने बना लिया है, इसे डार्क कर लेती हूँ मैं। अब है येलो लाइनर की बारी, इसे मैं आउटर कवरिंग में यूज करूंगी। जो मैंने शेप दी है इसी को मैं आउटलाइन कर रही हूँ येलो लाइनर से। जो नेक्स्ट कलर है बेस लाइन पे मैं ऑरेंज लगा रही हूँ। ऑरेंज बेस लाइन को मैंने सेट कर दिया है यहाँ पे, येलो के साथ मैं मिक्स कर रही हूँ। शिमर यूज करना चाहूंगी, शिमर व्हाइट कलर में यहाँ पे भर रही हूँ। आप चाहे तो पिंक भी कर सकते हैं। अब हम इसमें शिमर कलर यूज कर रहे हैं, शिमर व्हाइट। अब है लाइनर की बारी, आप चाहे तो लाइनर लगा सकते हैं और नहीं भी। सो अब हम लाइनर भी यूज करेंगे, मेरे को तो अच्छा लगता है, मैं बिना लाइनर के रह नहीं सकती। सो हमारा मेकअप है ऑलरेडी रेडी। तो आपने ये ट्यूटोरियल भी सीख लिया है किस तरीके से करते हैं। ये है एक फ्लोरल मेकअप लुक की है। अब हमारे है आई शेडो की बारी। सो आप इस लुक को देख सकते हैं।